कि सीमाओं की सुरक्षा करने वाले देश के जवानों के हितों की चिंता की जाए, इनके परिवारों की चिंता की जाए। और मित्रों, जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी उसके घोषणा पत्र में एक वादा था कि हम देश के जवान को वन रैंक वन पेंशन देंगे, देश के जवान का सम्मान करेंगे जो अपनी जवानी को, अपने जीवन के बहुमूल्य कालखंड को -43 डिग्री हिमाचल की चोटियों पर से लेकर रेगिस्तान में +43 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अपनी जवानी गलाता है, उसका परिवार का सम्मान करें। 70 साल से किसी को देश के जवानों की ये मांग जो थी उसको पूरी करने की सूझबूझ नहीं थी, क्योंकि मन में उनके प्रति सम्मान और भक्ति भाव नहीं था। मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक ही साल में वन रैंक वन पेंशन का वादा नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। हर साल 8,000 करोड़ रुपया ज्यादा देश के जवानों के खाते में, रिटायर्ड जवानों के खाते में, सेवानिवृत्त जवानों के खाते में चेक से पहुंच जाता है। आज उनके परिवार अपने परिवार की जरूरियातों को पूरा कर सम्मान के साथ जी रहे हैं। मगर मित्रों, मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दिया, कांग्रेस ने भी वन रैंक वन पेंशन दिया है। मैं उल्लेख नहीं करूंगा तो उनके साथ अन्याय होगा। मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दिया, सेना के जवानों को, सेना के निवृत्त जवानों को, शहीद की विधवा को, और इन्होंने दिया ओनली राहुल ओनली प्रियंका वन रैंक वन पेंशन, और कोई नहीं, ओनली राहुल ओनली प्रियंका वाड्रा वन रैंक वन पेंशन, एक नई किस्म का वन रैंक वन पेंशन दिया। और ये दोनों पार्टियों के बीच का एक अंतर समझाता है, हमारा वन रैंक वन पेंशन सेना के जवानों के परिवार के कल्याण के लिए है, उनका पेंशन वन रैंक वन पेंशन वन रैंक वन पे मित्रों किसके लिए है? गांधी और वाड्रा परिवार के लिए। ये दोनों पार्टियों के बीच में जो अंतर है वो बताता है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही